हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। सऊदी अरब की लड़की को नौकरी करने गए भारतीय ड्राइवर से हो गया प्यार, इंडिया पहुंच कर की निकाह। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं आपको बताती हूँ आगे की पूरी खबर। प्यार एक ऐसी चीज जिसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, ऐसी ही कहानी सऊदी अरब की एक लड़की की सामने आई है। हैदराबाद के निजामाबाद के सऊदी अरब गए एक व्यक्ति और उसके मालिक की बेटी के बीच प्यार हो गया। उसे देश वापस से लौटने के बाद लड़की अपने प्यार के साथ रहना अपना देश छोड़कर निकल पड़ी। वह अपने परिवार से लड़कर नेपाल के रास्ते भाग कर आ पहुंची और निजामाबाद में दोनों ने शादी कर ली। सऊदी अरब के एक बड़े परिवार की महिला को अपने पिता के ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे 30 साल के शख्स के प्यार हो गया। फरवरी में जब वह व्यक्ति भारत आया तो लड़की ने उससे कहा कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। उसने बताया कि वह जल्दी भारत आएगी। इसके बाद मई में वह सऊदी अरब से बाहर निकली, भारत नेपाल सीमा के अवैध तरीके से देश में दाखिल हुई। वहां से वह नई दिल्ली पहुंची जहां वह अपने प्रेमी से मिली। दोनों ने निजामाबाद पहुंचकर शादी कर ली। कुछ दिन बाद ही लड़की के पिता सऊदी अरब एजेंसी के अधिकारियों के साथ हैदराबाद आ धमके। उन्होंने दोनों की शादी के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने पुलिस में बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शुक्रवार को दोनों को पता लगाया लेकिन लड़की ने वापस जाने से मना कर दिया। उसका बयान शनिवार को दर्ज कराया गया। वह भारत में गलत तरीके से दाखिल हुई थी, इसलिए उसने भारत सरकार से उसे भारत में रुकने की इजाजत देने की अपील की है। उसके प्रेमी पर से अपहरण का आरोप हटाकर केस बंद कर दिया गया है। दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।